हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बताऊंगी। और हमने बहुत रिसर्च करके लोगों की जो रिव्यूज़ हैं, उनकी रेटिंग्स है, उनके अकॉर्डिंग लिस्ट प्रिपेयर की है। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि जो प्राइजिंग है वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उन पर मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो कंसर्न होता है वो बजट से रिलेटेड बहुत रहता है और दूसरा सर्विस से रिलेटेड रहता है। तो इस चीज़ों का बहुत हमने ज़्यादा ध्यान रखा है। और इन सारे जो प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इनके लिंक्स जो हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हैं, तो वहाँ पर जाके आप और इनके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट यूजिंग दीज लिंक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने नंबर 5 पे जो प्रोडक्ट लिया है वो है हायर का 256 लीटर का रेफ्रिजरेटर। इसमें ट्विन एनर्जी सेविंग है और इसकी जो प्राइस है वो आपको 22,000 के आसपास रहेगी। और नंबर 4 पे है वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर और इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें कन्वर्टिबल फ्रीज़र है और जो इसकी प्राइसिंग है वो आपको करीब 24,500 रुपये के आसपास रहेगी। नंबर 3 पे है गोदरेज का रेफ्रिजरेटर और इस रेफ्रिजरेटर की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें ऑटो फ्रिज डिफ्रॉस्ट सिस्टम है। मीन्स आपको इसको बार बार बंद नहीं करना होगा, जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ जम जाती है तो कूलिंग कम हो जाती है रेफ्रिजरेटर की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है या आपको कई बार जाके उसको अपने आप डिफ्रॉस्ट करना होता है, तो वो करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 7,500 रुपये के आसपास रहेगी। नाउ नंबर 2 पे जो मैंने लिस्ट में लिया है ये है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर और इसकी प्राइस है, आप देख सकते हैं, ये आपको करीब 21,700 रुपये के आसपास पड़ेगा। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं इसका जो नॉइज़ है वो लेस है, ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। और टफन ग्लास है इसमें और इसकी जो शेल्व्स हैं वो टफन ग्लास से बनी हुई है। नाउ और मेरी लिस्ट में रेटिंग रिव्यू और सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो नंबर 1 पे है वो LG का रेफ्रिजरेटर है। ये मल्टी एयर फ्लो कूलिंग का है और इसमें मल्टी एयर फ्लो कूलिंग सिस्टम है और इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको लिटिल बिट कॉस्टली होगी, ये करीब 24,490 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं ये मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, जो रिसर्च है, लोगों की रेटिंग्स है, उनके रिव्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको लिस्टिंग दी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको इस साल में अगर जो बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से आप कौन सा लेना चाहते हैं, तो ये हेल्पफुल होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।